नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। सांसद संगमलाल गुप्ता पिटाई मामले पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 वीडियो रिलीज किए गए। 12 बजे उन्हें आना था लेकिन वो 2:30 बजे आए। संगमलाल गुप्ता अपने समर्थकों के साथ मंच पर आए। मैंने और आराधना मिश्रा ने उन्हें कुर्सी दी। मंच पर अधिकारियों के रोकने के बावजूद वो आए। ओम प्रकाश, गुड्डू पांडे अन्य के कहने पर वो आ गए। जब वो मंच पर आए तो मंच के नीचे से नारेबाजी होने लगी। मोना ने भी समझाया लेकिन वो मंच से नहीं उतरे। गाड़ी तक जाने के लिए उनके साथ कोई घटना नहीं होती। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो कपड़े फटे थे। मेरी चुनौती है कि वो मार खाने का वीडियो दिखाएं। जब ये घटना हुई तो न मैं था न मेरे समर्थक वहाँ हैं। ये FIR मेरे खिलाफ नहीं है, ये मेरे 42 साल के राजनीतिक अनुभव का अपमान है। सांसद ने अपना शर्ट फाड़ा और फड़वाया। सरकारी कार्यक्रम का माइक उन्होंने तोड़ दिया। उत्तेजित भीड़ ने गुड्डू पांडे को पीटा। सांसद ने अपने शैडो से FIR लिखवाई। जिनके वीडियो वायरल हैं तो गुड्डू पांडे हैं। सांसद को झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। मंच पर 14 लोगों को लेकर सांसद क्यों चढ़े? उनकी उम्र है, उनका मेरा राजनीतिक अनुभव है। प्रमोद तिवारी, लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। तब तक के सारे वीडियो हमने दिखा दिए, वो भी सुरक्षित थे, उनके कपड़े भी सुरक्षित थे, उनके सुरक्षा कर्मी उनको ले जाके उनकी गाड़ी तक पहुंचाते। अब उसके बाद जो उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई, ये कब हुई कहां हुई, इसका जवाब तो वही दे सकते। पर जो भी हुआ बहुत दुखद है, हमें इस बात का खेद है कि राम। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।